हाय दोस्तों, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चिकन बनाने देसी स्टाइल में, तो देखिए। देखिए दोस्तों, हमने चिकन धो लिए हैं और 3 से 4 हम बड़ा साइज प्याज कट कर लिए हैं। अब कढ़ाई चढ़ाएं, तेल गरम हो गया, इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। तो देखिए हमने डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो तेज पत्ता पक गया, इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज डाल के इसको भूनेंगे हम। तो देखिए हमने सब प्याज डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन तक इसको प्याज को हम भून लेंगे। इसमें हम 2 से 3 लहसुन डाल दिए, क्योंकि बच्चे को बहुत पसंद है लहसुन। तो आप चाहे तो आप भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। तो देखिए दोस्तों, मेरा प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मीट डालेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने सारे चिकन डाल दिए हैं। अब डाल के इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। देखिए दोस्तों, हम अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। तो हम मिक्स अच्छी तरह से कर लिए हैं और अब धीरे हल्की आंच में इसको भूनेंगे हम। गैस को एकदम मीडियम फ्लेम में कर देते हैं। अब हम चले मसाला के लिए। तो देखिए हमने 3 से 4 लहसुन लिए हैं। उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच और गोल मरीच डालेंगे। तो देखिए हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, उसके बाद 4 से 5 आप तीखा जैसा खाएंगे वैसा डाल सकते हैं। हम 4 से 5 मिर्ची डाले हैं। अब इसको पानी डाल के इसको ग्राइंड जार में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक हमने मसाला तैयार किया तब तक मेरा चिकन अच्छे से भून जा गया है, पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। तो देखिए 1 से 2 छोटा चम्मच 1 से 2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालें और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। तो देखिए हमने नमक डाल दिया। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से हम चला मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा देर चलाते रहेंगे। और जो अब देखिए हमने मसाला तैयार किए थे वो अब हम इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पहले भून लेंगे, उसके बाद ही मसाला डालेंगे। तो देखिए हमने अब मसाले डाले हैं। अब मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम पकने देंगे, ढक के छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से मेरा मसाला भुना गया है, तेल छोड़ रहा है, देख सकते हैं। इसको और हम थोड़ा देर भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये रेडी हो गया है खाने के लिए। देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। दे
देखिए हमने पानी डाल दिया है। पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके इसको हम फिर 3 से 4 मिनट तक इसको हम ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि मसाला तो अच्छी तरह से तैयार हो गया, तो ज़्यादा इसको हम उबालेंगे नहीं। तो हम चिकन मसाले भूल गए थे दोस्तों, तो देखिए अब हमने इसमें चिकन मसाला डाल देंगे। डाल के इसको मिक्स करेंगे, तो देखिए डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो मेरा चिकन मसाला मिक्स हो गया है। देखिए दोस्तों मेरा अच्छी तरह से चिकन तैयार हो गया। अब हम कटोरी में निकालते हैं, तो देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से बना है और मसाला भी पक गया है, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब